आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात होगा, क्योंकि मैं तो आप लोगों को हर वक्त की बर्ड्स के बारे में, फिश के बारे में, दूसरा बहुत सारा टॉपिक में बात कर चुकी हूँ, बट आज थोड़ा टॉपिक डिफरेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो सबसे पहले मेरा चैनल सेयस क्रिश्चियन क्लिनिक को जरूर सब्सक्राइब करिए, और एक बात बताती हूँ, बहुत सारा फ्रेंड्स मेरा वीडियो वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों से प्यार से ही मैं इतना आगे तक आई हूँ और आपके साथ रहे तो बहुत आगे जा पाऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल सेयस क्रिश्चियन क्लिनिक को, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग जो टॉपिक देते हैं वो तो बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक देते हैं जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ, हर वक्त तो सब टॉपिक में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा टाइम का शेड्यूल भी इतना टफ है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं हमारा टॉपिक। अभी हमारे यहाँ पे दूसरे जगह पे भी हो रहा है, डॉग कैट्स के ऊपर में बहुत टॉर्चर हो रहा है, तो ये सब के बारे में आज का वीडियो है। क्योंकि देखिए बहुत सारा एनजीओ लोग ने बहुत कैट डॉग को अभी रेस्क्यू कर रहा है, उसको ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको अच्छे करने के बाद नया फैमिली में दे भी दे रहा है एडॉप्शन के लिए। तो मैं भी कभी कभी ऐसा ही करती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सब पपीज को कोई एनजीओ के थ्रू वो लोग रेस्क्यू करके उन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस बार हम लोग को पास एक न्यूज आए हैं, जो एक लासा है, थोड़ा एजी लासा है, उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो मेरा हस्बैंड तो निकल गया उसको रेस्क्यू करने। पहले एक बात बता देती हूँ उसके ऊपर में क्या क्या चीज हो गया है उसके ऊपर। तो पहले वो एक जगह से इतना स्पेस से इस जगह से इस जगह नहीं हिल पाता था, दूसरा वो प्रॉपर फूड नहीं मिलता था उसको, दूसरा और इतना कम उम्र में उसको, फीमेल था इसलिए इतना कम उम्र में उसको 2-3 बार ब्रीडिंग कर उसको हम लोग बोलते बंगाली में बोलते निगरेने आ जाएगा, निचोड़ लेना जो हिंदी में होता है। तो इतना टॉर्चर हुआ था, तो उसका सिर्फ आंखें आपका इस सही होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हिलता था। तो हम लोग जाके बहुत एओ बोल के पपी को लेके आए। तो आने के बाद मैं डायरेक्ट में जब डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बताया आप तो जिंदा लाश को लेके आए, ये शायद नहीं बच पाएगा। तो मैंने मेरा जो पेशाव में भी डॉक्टर बैठते उससे उसके पास ही गई थी। तो दादा ने बोला, हमने बोला दादा प्लीज एक बार ट्राई कर दीजिए, उसको हम लोग को बचाना ही है, जो कर लीजिए, जितना उसका ट्रीटमेंट होगा खर्चा होगा हम लोग बैर करेंगे, लेकिन उसको बचा लीजिए। तो दादा ने ब्लड टेस्ट दिया था, मेडिसिन वगैरह दिया था, इंजेक्शन दिया था। तो पहले ही बता देती हूँ उस लाशा के शरीर में ब्लड इतना कम था, तो ब्लड टेस्ट करना जो बंदा आया था उसको बहुत टाइम लगा एक बूंद ब्लड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पैर को निचोड़ कर भी एक बूंद ब्लड नहीं निकाला था। तो बहुत कष्ट करके एक दो आपका बूंद ब्लड निकलाया, उसके बाद ब्लड टेस्ट करके निकलाया उसका फंगल बहुत प्रॉब्लम हो गया है अंदर में, प्रॉपर फूड नहीं मिलने की वजह से और बहुत कम उम्र में ब्लीडिंग के वजह से उसका शरीर से ब्लड पूरा लगभग खत्म हो गया था। तो पहले आप लोग उसका वीडियो थोड़ा देख लीजिए, मैं बाद में उसको कैसे करके उसको ठीक किया हूँ 1-1.5 महीने में, तो दिखाती हूँ। और सबसे बढ़िया बात है आज उसका नाम में हम लोग दिया है ब्रूनो, क्योंकि मेरा जो लैब है उसका नाम ब्रूजो है, तो उसका बहन मान के हम लोग उसका नाम ब्रूनो दिया था। तो ब्रूनो के हम लोग बहुत एक अच्छा फैमिली में भी दे दिए हूँ, लेकिन कुछ रूल्स के हिसाब से ही हम लोग उसका एडॉप्शन किया है। पहला रूल, उसको कभी भी वो लोग ब्रीडिंग में एक्सटेंड नहीं करा पाएंगे, और दूसरा वो लोग फिर कोई नया फैमिली में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो जब एज 6 ईयर का काफ़ी एज है उसका, तो इस एज में वो नया फैमिली
फैमिली और नहीं वो चेंज कर पाएगी, एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम होगा, तो अच्छा फैमिली देख के हम लोग उसको ठीक करके दे दिया हूँ। और मेरा घर से बहुत नज़दीक ही है दादा के घर, इसलिए मैं रेगुलर बेसिस में जाकर चेक भी करूँगी, वो ठीक है क्या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, ब्रूनो का छोटा छोटा वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्रूनो के जब हम लोग लेके आए थे, उसका बॉडी ऐसा था पूरा, कोई नहीं बोलेगा एक लासा पप्पी है, और इसका एज 6 ईयर तक है। उसके बाद वो रिकवर करते करते यहाँ पे आया है। ये मेरा बूजो है, उसका बहन है ब्रूनो। तो देख सकते हैं वीडियो में उसका फर्स्ट गिफ्ट हमने, वो जब ठीक हुआ थोड़ा घूम फिर सकते हैं, फिर हम लोग उसको कैल्शियम देना स्टार्ट किए, कैल्शियम बोन देना। वो बहुत खेल नहीं पाता था, बट जितना भी कोशिश करता था बुजो के साथ। एवरीवन डिजर्व ए सेकेंड चांस इन ए लाइफ, बुजो तुम बहुत अच्छा। मैंने लग गया था ब्रूनो को ठीक होने में, तो अभी बहुत हेल्दी भी हो गया था, और बुजो के साथ थोड़ा बहुत खेलता था। तो हम लोग सोचे उसको एक अच्छा वाला फैमिली दे दे, क्योंकि वो तो बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा है, तो फैमिली भी हम लोग को बहुत टफ था चूज़ करने में। तो मेरा घर के बगल में एक भैया रहता था, उसको हम लोग बुजो का एडॉप्शन में दिया था। वो भैया के पास ऑलरेडी डॉग्स है, तो इसलिए वो केयर कर पाएगा। ये बिफोर आफ्टर पिक्चर है, आप देख सकते हैं कैसा था कैसा अभी है। तो ये दादा का बच्ची है। तो एवरीवन डिजर्व ए सेकेंड चांस इन लाइफ।